इस डायरी में अतीक के रियल स्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े करीबियों का जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी जिक्र है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर भी मौजूद हैं। मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। कुछ डायरी बरामद हुई है, कुछ फोन नंबर बरामद हुए हैं और उस डायरी को पुलिस खंगाल रही है, उन नंबरों को खंगाल रही है। वो उन सफेद पोशों के नंबर है जो अतीक का, शाइस्ता का हर राज जानते हैं और बहुत मुमकिन है कि जो नंबर उन पन्नों पे लिखे हुए हैं उन नंबरों के सहारे अब पुलिस शाइस्ता तक पहुंच जाए। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अतीक का कारोबार कितना फैला उसका अंदाजा आप धूल फांक रही इस लग्जरी कार से लगा सकते हैं। ये जो कार खड़ी है, लैंड क्रूजर जो कार है, इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि इसी कार से जो असद वो पूरे प्रयागराज में घूमता था, काले कारनामे करता था और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं असद की, वो शुरू से ही डॉन बनना चाहता था। इस कार पर पुलिस की नजर है और ऐसा बताया जा रहा है कि कार का जो नंबर है वो भी एक तरह से फर्जी था, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। देखिए कार अंदर खड़ी है, लैंड क्रूजर, और इसी जो कार से जो असद है वो पूरी तरह से काले कारनामों को अंजाम देता था। और आपको बता दूं कि पुलिस जांच में आया है कि जो डॉन जो अपनी इमेज असद बनाना था चाहता था वो इसी 2 करोड़ की कार से घूमता था। तस्वीरें भी कई आई हैं जो उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ था। उसके अलावा एक दूसरी तस्वीर भी आई है जिसमें गैंगस्टर लिखा हुआ था। तो पुलिस जो है इस तरह की कई जो लग्जरी कारें हैं अतीक की और असद की, उस पर अब पुलिस की नजर है, क्योंकि जांच में पता चला है कि जो गाड़ियां थी उनके नंबर प्लेट जो है वो फर्जी थे। अतीक मारा गया तो विरोधियों ने भी परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक अहमद के जेल में बंद दो बेटे उमर अली समेत 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर लिखी गई है। आरोप है कि उमर और अली ने अपने साथियों के साथ मोहम्मद मुस्लिम को गाड़ी में खींच कर किडनैप किया और चकिया कार्यालय में ले जाकर जमकर पीटा। उस पर जमीन नाम करने का दबाव बनाया गया। मोहम्मद मुस्लिम का आरोप है कि प्रयागराज के देवघाट में उसकी बेशकीमती पैतृक जमीन है जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अतीक उसको लेना चाहता था जबकि वो इसके लिए राजी नहीं था। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम खुद प्रयागराज के खुलादाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है जिस पर कई केस दर्ज हैं। उमेश पाल ने भी उस पर 1 करोड़ की रंगदारी का केस दर्ज किया था। इस बीच पुलिस को बमबाज गुड्डू की भी तलाश है जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। इस बीच खबर है कि गुड्डू बमबाज हिंदू नाम रखकर एसटीएफ को चकमा दे रहा है। बबलू सुरेंद्र संदीप नाम से गुड्डू घूम रहा है। यूपी पुलिस को गुड्डू बमबाज के बारे में अहम जानकारी मिली है जिसमें उसका छत्तीसगढ़ में छिपे होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस पूरे मामले पर गुड्डू बमबाज की मदद करने वाले की भी पहचान कर ली गई है। मदद करने वाले मीट कारोबारी कुरेशी को रडार पर लिया गया है जिसका मीट कारोबार छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड के 2 महीने बाद भी गुड्डू बमबाज जैसा शूटर फरार है। वहीं लगातार जांच में कई चौंकाने वाले खुलासों ने सबकी नींद उड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम का।